सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। हाँ वो तो है ही, लेकिन तो फिर लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ आपने देखा? हाँ अभी देखो यहाँ पर बिजली का भी मैं कर रहा हूँ इसके, क्योंकि बिजली भी है यहाँ पर, हो सकता है शॉर्ट सर्किट ही हुआ है। अब थोड़ा आराम से हम कंफर्म कर लेंगे इसको, देखेंगे हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको, तो लगता है हमें शॉर्ट सर्किट ही हुआ हो। जान तो सबकी ठीक है जी, लेकिन सामान हमारा सारा कुछ जल गया दीदी, हमारा कुछ नहीं बचे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई पैसे थे उसमें? सब कुछ था यार, कुछ था जी, काम करते किस लिए करते हैं, इसी के लिए। अब गेट के अंदर रहते जी, हमको डर किसका है, मालिक मकान आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं, तो किसका डर बात है। अभी इस समय मैं डिग्याना में हूँ और यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है। दो सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लोगों का यहाँ पर नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको तस्वीरें बता देते हैं कि अभी उस स्पॉट के क्या कुछ हालात हैं, अंदर भी लेकर चलते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं कि सामने इन्हीं का जो है वो घर था और यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट होने का जो है हादसा हुआ है। तो अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको बिल्कुल विजुअल्स दिखाते हैं जहाँ पर अभी आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और जिस तरह से, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो आग लगी हुई है सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से, यहाँ पर एक दो बताया जा रहा है कि दो सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ। और ये आप तस्वीरें देखिए जहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार वालों को इस टाइम बाहर भेजा है ताकि परिवार वाले सुरक्षित रह सके, और अंदर आग बुझाने का काम अभी शुरू हो चुका है। तो दमकल विभाग की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची हैं और ज्यादा जानकारी उन लोगों से भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि परिवार अंदर की तस्वीरें दिखा दें कि आग जो है वो कहां पर लगी थी। तो ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और तकरीबन यहां पर जिस तरह से अंदाजा लगाएं बहुत से परिवार यहाँ पर रहते थे, तो एक के घर पर अगर ये हादसा हुआ होगा तो उसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट जाहिर सी बात है कि दूसरे परिवारों पर भी पड़ा होगा। पहले ये जानना चाहेंगे कि कितना यहाँ पर जो है कितने घरों का नुकसान हुआ है। देखो मैम ये घर अब सर इस साइड देखने में आया तो एक भी है, तो हो सकता है दो भी हों, क्योंकि छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं और इसके आगे लाइन झुग्गियों की है, तो इन लोगों ने सबने खाली कर ली थी क्योंकि आगे उसी हिसाब की थी, तो लेकिन बाकी झुग्गियों को नुकसान नहीं हुआ, यही एक या दो झुग्गी हैं इसी में ब्लास्ट हुआ है। अब एक आदमी की है, दो आदमी की है, उनको पूछ के पता भी हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है। जब ब्लास्ट हुआ हम यहाँ पहुंचे थे, ब्लास्ट हुआ उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, कोई और ब्लास्ट नहीं, सिलेंडर ही है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो वही ब्लास्ट हुआ है जी। एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। हाँ वो तो है ही, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ आपने देखा? हाँ अभी देखो यहाँ पर बिजली का भी मैं कर रहा हूँ इसके, क्योंकि बिजली भी है यहाँ पर, हो सकता है शॉर्ट सर्किट ही हुआ है। अब थोड़ा आराम से हम कंफर्म कर लेंगे इसको, देखेंगे हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको, तो लगता है हमें शॉर्ट सर्किट ही हुआ हो, लेकिन बाकी सब सेफ है, किसी को बिल्कुल नहीं, कुछ भी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपनी एम्बुलेंस भी साथ में लाई थी, फायर सर्विस की एम्बुलेंस भी आप देख लें बाहर खड़ी है, इसीलिए लाई थी कि हो सकता कोई जख्मी हुआ हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने सबको पूछा आते ही कि कोई जख्मी तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं, हम भाग गए हैं बाहर, हमारा कोई बंदा जख्मी नहीं है। सर जैसे यहाँ पर लोग क्वेरी कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर आ रहे थे, बता रहे थे नुकसान, मतलब जान का नुकसान नहीं है, सिर्फ सामान का ही जी, सामान का नुकसान तो होता ही है, जहाँ दो सिलेंडरों का ब्लास्ट होगा, इतनी बड़ी आग होगी, तो ये तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऊपर वाले का शुक्र है बहुत बहुत कि हम कंट्रोल कर पाए इसको। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टच में रेजिडेंशियल हाउस हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया भी इससे बैक साइड से फैक्ट्री एरिया है, तो इधर बाकी झुग्गियाँ कितनी लंबी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आग फैल सकती थी, तो वक्त पर कार्रवाई हुई है, इंडस्ट्रीज में हमने यहीं पर आग को रोका है। क्या नाम है? मेनका। मेनका हुआ क्या था? आप तो घर वाले हो ना, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं घर पे तो नहीं थे ना हम लोग। अच्छा बाहर मेरे भाई था, बुआ का बेटा। तो फिर किसने बताया आग लगी है? ये बुआ और आए भागते भागते, इसीलिए काम कर रहे थे हम घर। टोटल कितने घर हैं जहाँ पर आग लगी है? ये दो झुग्गियों में। दो झुग्गियों में, हाँ जी। तो जान सबकी ठीक है, मतलब लोग सारे ठीक है? हाँ जी। नुकसान कितना हुआ? क्या जितना कुछ था सारा जल गया। सारा जल गया। एक आपका घर है और एक आपकी बुआ का। हाँ जी। सिलेंडर थे उसके अंदर? दो थे। दो थे, अब वो पता नहीं है, हम लोग घर पे थे नहीं ना इसलिए। अच्छा तो ये सामान किसी ने बाहर निकाला? कुछ भी नहीं, कुछ भी बाहर नहीं निकाला। बताया किसने? मेरी बुआ आई भागते भागते, कहते कि मेरे बेटे ने बताया, छोटे वाले ने, कि आग लग गई है।
बुल आपको बताया किसने, आपको कैसे पता चला आपके घर? ये लड़के भाई, ये बंदा था जे और जे लड़के थे दोनों भाई। जान सबकी ठीक है? ठीक सारे की जान तो सबकी ठीक है जी, लेकिन सामान हमारा सारा कुछ जल गया दीदी, हमारा कुछ नहीं बचे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई पैसे थे उसमें? सब कुछ था यार, कुछ था जी, काम करते किस लिए करते हैं इसी के लिए। अब गेट के अंदर रहते जी, हमको डर के कहा है, मालक मकान आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं, तो किसका डर बात है? वो पूरे दिन घर में रहते हैं, तो पैसे पूसे सारा कुछ रखा रहता हमारा, कहाँ ले जाए, सब कुछ सड़ गया जी हमारा, हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड सारा कुछ जल गया, फ्रिज रिजर्व सड़ गया, इसने दीपावली को नई मशीन ली थी वो पैक करी कराई रखी थी, सारा कुछ जल गया जी हमारा, कुछ नहीं बचा। था, वाशिंग मशीन थी, बच्चे तो ठीक है ना? हाँ बच्चे ठीक हैं जी, क्या करिए क्या नहीं करें। तो ये आग लगने का एक भीषण हादसा जो है वो डिग्याना में हुआ है, यहाँ पर जो अभी तक बात हो पाई है वो बातचीत भी आपने पूरी सुनी है, बता देगी किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि सामान जो है वो जरूर यहाँ पर उसकी क्षति हुई है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये पता लगाया जा रहा है कि दो सिलेंडर के अलावा क्या शॉर्ट सर्किट भी इसके बीच में जो है वो जिम्मेदार है। जिस तरह से आपको ये बता देगी, बहुत सारी तारें आपको यहाँ पर दिख रही है, जिस तरह की ये जगह है वहां पर तारों का जो एक जाल बिछाया गया है, क्या उसका भी कोई रीजन बीच में पेश आता है, ये भी अभी एक बड़ा माध्यम रहेगा जानने का। लेकिन अभी तक अगर जम्मू की बात बताएं तो अभी तक की बड़ी खबर है कि जम्मू में एक आग लगने की वजह से ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन, आशा खान के साथ।